सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. माय नेम इज करण, दिस इज अंजलि और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम. तूने मुझे काट तो नहीं देना अंजलि बोलते हैं. नहीं नहीं काटा नहीं, अंदर ही है. और हम लोग अभी आए हैं साइंस सिटी, दिस इज 2022 और लास्ट हम दो साल पहले आए थे साइंस सिटी. आए थे हमारे फर्स्ट टॉप 10-15 वीडियोज़ में से एक था साइंस सिटी, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. तो अगेन हम लोग आए, लास्ट टाइम हम आए थे साइंस सिटी तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी. इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं एक्वेरियम एंड रोबोटिक गैलरी. सो दो ही चीज़ हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं. बाय द वे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है तो लिमिटेड एंट्रीज मिल रही है, तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा तो आपको टिकट्स मिल जाएगी क्या क्या प्राइजेज है. एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप प्राइजेस और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करना है वो सब देख सकते हैं. तो फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, सो गो एंड चेक इट आउट. लास्ट वीडियो में हमने हॉल ऑफ साइंस एंड स्पेस, थ्रिल राइड, साइंस पार्क, प्लैनेट अर्थ ये सब कवर कर लिया था. सो दिस टाइम वी आर ओनली गोना कवर एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक्स गैलरी, जो कि ये 7 नंबर प्लैनेट अर्थ के पीछे की साइड पे है. तो डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे ARVR और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है रोबोटिक पार्क में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ पे जाके उसकी टिकट वहीं पे मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या टिकट्स है. और एंट्री टिकट 50-50 रुपीज़ है पर पर्सन, पार्किंग का 50 रुपीज़ अलग से कार का, और 200 पर पर्सन टिकट है एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी की. मतलब टोटल हमें सब मिला के 950 रुपीज़ दो लोगों का पड़ा है. एम्बुलेंस भी खड़ी है, चल चल के थक जाते 108 भी खड़ी है यहाँ पे. अपनी कार छोड़ के उस बैठ के जा सकते हो. पेड़ बहुत है तो छांव ले सकते हो आप नीचे. काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ की गई है अंजलि जैसे लोगों के लिए. खापी क्या है दोस्तों, खापी क्या है तो वॉकिंग हो जाएगी आपकी. रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोलते हैं ना जो अंदर आके जो लेते हैं वो यही है. हाँ, खापी क्या है, हम खापी क्या है अब उतारेंगे सर. और हमने पता है वो पिज्जा भी खाया था, बहुत बकवास सा पिज्जा था. अरे वो बहुत बकवास सा पिज्जा था. और उससे अच्छा पिज्जा तो अब मैं बना सकती हूँ. मुझे लगता है हम धीरे धीरे साइंस सिटी से बाहर निकल के सिटी में पहुँच गए. हम कहाँ पर जा रहे हैं बाय द वे, मैं इतना भी खाकी नहीं आई हूँ. किसी से पूछ लेते भाई कहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन है ना. चल पहले उस तरफ जाना होगा, पूछ लेते हैं वहाँ से. लेफ्ट होगा है तो उसके पीछे ही देगी वो गोला, तो यहाँ दिख रहा है. पहले फिगर आउट करते हैं रास्ता फिर बात करते हैं. तो ये आ गए हमारी पिछली वीडियो के थंबनेल के पास, और ये जो है उसके सामने ही है रोबोटिक्स गैलरी. तो फाइनली चलो चलते हैं जिसके लिए यहाँ पे आए. एसीमो है जापान का आई गेस, तो ऐसे सारे रोबोट्स के जो स्टैचूज है वो बनाए गए. अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे रोबो कैफे भी, अंदर भी गैलरी है, तो अंदर जाके भी देखते हैं कौन कौन सा रोबोट्स रखे गए हैं. बम्बलबी जिसके सामने भी अंजलि ने एक पैनोरामिक फोटो खिंचाई है और जिसमें मैं भी बम्बलबी जैसी लग रही हूँ. जो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. नहीं जो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, करण की डालूंगी, मैंने इसकी अच्छी ली है. ये हमेशा मैं सर ये करता है, नहीं खींचते भी फोटोज देखते हैं अंदर. So अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो दैट्स अ 3D प्रिंटर, 200 रुपीज़ का चार्ज है और ऐसा आपका 3D प्रिंटेड मॉडल बनाया जाएगा. अभी तो वेटिंग है, 200 रुपीज़ चार्ज है, 1.5 hours to 2 hours आपको पूरा 3D प्रिंट करेगी यहाँ पे बिठा के, और आपके घर पे ऐसा आपका 3D प्रिंटर वो आपको कुरियर करवा देंगे. तो अगर आप यहाँ पे आ सकते हो तो करवा सकते हो. मुझे लगता है मेरा बॉडी का साइज़ देख के 400-500 रुपये ले लेंगे. नहीं मुझे इतने छोटे में हमारा कैसे आएगा, मेरे को पता नहीं चला. नहीं शोल्डर तक ही बना के देंगे 200 रुपये में. मतलब वो सिर्फ वो था ना मॉडल, ऐसा था तो भी सेम ही निकलेगा, मैं भी सेम ही निकलूँगी. हार्वर्ड की तरह नहीं हो जाएगा, इसलिए बिग बैंग भी का रिलेट कर सकता है. अभी हम लोग जा रहे हैं हिस्ट्री गैलरी में. बाय द वे यहाँ पे 1 hour का टूर होता है पूरा, तो आप ले सकते हो, फ्री है. 200 रुपीज़ जो आपकी टिकट है उसमें इंक्लूडेड है. तो ये सारी चीज़ें क्या क्या रखी गई उसका टूर आपको देंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें करते हैं. अभी तो आपने रोबोटिक्स का जो डेमो देखा होगा, जो लिमिटेड क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछ के. लेकिन बहुत मस्त है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मस्त होगा. नहीं मैंने देखा था, मस्त है, बहुत मस्त है. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग है. मतलब बच्चों के साथ साथ बड़े बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा. मैकेनिकल वाले रिलेट कर सकते हैं. इसका नाम
अगर आपने स्टार वॉर्स देखे देन यू कैन रिलेट टू इट. C3PO ये है, ये R2D2 है. R2D2 तीनों में से जो यंग वो शेल्डन को नहीं बोलते, वो लुक लाइक C3PO, ये वही है. काफ़ी सारी रोबोटिक्स चीज़ है, हिस्ट्री है पूरी. सो हम थोड़ा देखते हैं वीडियो जितना हो सके कवर करेंगे. इस हैंडी को 5 सेंसर होते हैं और ये यहाँ से
सो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो प्लेइंग वाले रोबोट्स ऐसे देखे, फाइटिंग वाले, बैडमिंटन खेल रहे हैं, एयर हॉकी खेल रहे हैं, वो मस्त था। वो जो झगड़ा नहीं कर रहे थे ऐसे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी देखे। फिर उसके बाद हम लोग आए फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले, वॉर में यूज़ होने वाले, मिलिट्री में यूज़ होने वाले, डॉक्टर को यूज़ होने वाले, काफ़ी सारे रोबोटिक्स देखने का मतलब मैंने गलत करियर चूज कर लिया, अच्छा करियर है। तो सेकेंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वो टाइप के रोबोट्स थे, अब देखते हैं थर्ड फ्लोर पे क्या। अभी मैंने देखा था वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटर, वो सब है। लेट्स सी सेकेंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। चल बे थकी। और बाय द वे 200 रुपये में वर्थ है, बहुत ही अमेजिंग है। आपको पूरा 1 आवर का ट्रिप भी देंगे जो आपका 200 रुपये में इंक्लूडेड है। मुझे बस कुछ खिला देना बच्चा। खिला दूंगा मैं तुझे, बहुत अमेजिंग है, डेफिनेटली विजिट करना, 200 रुपये वर्थ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, घुमाइए कैमरा घुमाइए, ये ब्रुकलिन ब्रिज है यहाँ का, आप पे अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हैं लोहे के ब्रिज पर, लोहे के। और कुत्ते बिल्ली भी हैं शायद यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं रोबोट वाले। तो यहाँ पे रोबो फेस्ट गुजरात करके जो कंपटीशन है, वहाँ पे अलग अलग लोगों ने जो प्राइजेस जीते हैं उनके रोबोट्स ने, वो यहाँ डिस्प्ले पे रखे गए हैं। तो अभी मैंने VR सिनेमा की टिकट ले ली, कुछ 5 से 6 मिनट की VR मूवी है, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। उसके अलावा भी VR में आप काफ़ी सारी चीज़ें, गेम्स है वो ट्राई कर सकते हो। सबकी टिकट्स की जो डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, गेम्स है, मूवीज़ है और काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखते हैं। बट VR में जाए उससे पहले रोबोट नाट्य मंडप है, उस पर रोबोट का एक सॉन्ग है ततर ततर, उस पर वो डांस करते हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा रहता परफॉर्मेंस। Hi everyone, welcome to Natya Mandap. I am now a robot and these are my siblings. We are going to perform very famous song Tata. Let's get started. Please join us. अभी हमने डांस देख लिया, तथा मतलब ठीक था, रोबोट कर रहा है, कभी देखा नहीं है तो देखे अच्छा लगा। अभी तक हमने सिर्फ हाथी और जादूगर को ही देखा था, डांस करते हो रोबोट को देख के अच्छा लगा। अब चलते हैं VR में अंदर, आपको दिखाते हैं अगर वो लोग शूट करने देंगे तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खेल सकते हैं आप। और हमने एक मूवी टिकट जो मैंने आपको बताया वो आपको दिखा तो नहीं सकते, बट मे बी अगर वो कोई बंदा अंदर शूट करते तो आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे कैसा रहता है VR का।
सो वी आर हमारा खत्म हो गया, हम बाहर आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया, मुझे तो वॉमिटिंग टाइप लगने लगी। हमने वो झूले वाला किया था जो पूरा सिटी को बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो डेफिनेटली, और एक और गेम है जिस पर आप शूट करना होते जॉम्बीज को, तो वो बोल रहे थे कि पार्टनर में अगर आप खेलोगे तो ज़्यादा सर्वाइवल के आपके चांसेस है। तो अगर 2-3-4 लोग आ रहे हो तो डेफिनेटली वो भी खेलो, पर पर्सन 100 rupees है। डेफिनेटली वहाँ पे पैसा डालना वर्थ है, बहुत मज़ा आया। अगर यहाँ पे आ रहे हो वीआर में सेक्शन में जाओ, प्ले द गेम्स एंड एवरीथिंग। बाय द वे यहाँ पे हर फ्लोर्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे पानी वॉशरूम उसकी फैसिलिटीज़ है, बहुत ही मस्त है। तो अगर आप पानी की बॉटल या फिर कुछ लेके नहीं आए हो तो बहुत ही मतलब सही रहेगा। और अंदर वॉशरूम है वो भी सही है, मतलब काफ़ी जो साफ़ सुथरा है, तो मैनेजेबल है, अच्छा है, पानी भी अच्छा है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप दूर से आ रहे हो, लग रहा है पानी क्या बोला, पानी भी अच्छा है, पानी देखो मतलब ठीक है, मतलब साफ सुथरा लग रहा है। मैं करण का मुंह थोड़ा पानी में मार के आती हूँ मैं। तो अभी यहाँ हमारा ख़त्म हो गया रोबोटिक्स गैलरी में, बस इतना ही है। अब हम लोग जा रहे हैं एक्वा गैलरी में। अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी हम मस्त चाय पियेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर हम एक्वा गैलरी में जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो एक्वा वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले, वो जब लाइव हो तो आपको सबसे पहले आइडिया मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय। नहीं नहीं, मैं डिफरेंट तरीके से बाय करने की ट्राई करती। बाय गाइस, बाय बाय।